Hey, what's up guys? My name is Kabir and you are watching my channel Editing Files. तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रेप्लिकेंट सॉफ्टवेयर के अंदर कैरेक्टर के हेड को कैसे मूव करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जब आप चाहो उसका हेड लेफ्ट जाए, राइट जाए, टॉप देखे, बॉटम देखे, आप अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज करा सकते हो। वो सब कैसे करना है इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। और अगर आपने इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है हेड के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो और उसमें मैंने कुछ अलग बताया है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा अलग बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक सीन सेटअप तैयार करके रखा है। मेरे पास दो करेक्टर हैं, एक करेक्टर को मैंने ऐड नहीं किया टाइमलाइन के अंदर और दूसरे करेक्टर को मैंने टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लिया है। तो जब भी आप करेक्टर ऐड करते हो उसके साथ आपको ये तीन प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी ऐड हो जाती हैं जब भी आप करेक्टर को टाइमलाइन के अंदर ऐड करोगे। तो गाइस यहाँ पर आप देखोगे हेड लुक एट या आई लुक एट के आगे कुछ आइकन्स हैं। यहाँ पर प्रीसेट का आइकन है, आइस का आइकन है, शो लोकेशन और ट्रिम राइट, ट्रिम लेफ्ट और ऐड की का ऑप्शन है। तो प्रीसेट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पहले से प्रीबिल्ड प्रीसेट देखने को मिल जाती है, यानी आपका जब करेक्टर बात कर रहा है बेसिकली वो किस तरीके से बात कर रहा है उस हिसाब से आप डायरेक्ट यहाँ से प्रीसेट चूज़ कर सकते हो। अगर आपको फटाफट क्विक वीडियो बनाना है तो आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, शांत रह के बात कर रहा है या बातों को सुन रहा है, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप प्रीसेट को चूज़ करोगे। तो आप देखोगे आपने हेड में चूज़ किया था, आइज में अपने आप लग गया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो करेक्टर है वो लेफ्ट राइट रैंडम उधर उधर देखता रहेगा, तो जहाँ तक ये लगे होंगे सिंपली वहीं तक काम करेगा, उसके बाद अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपका डायलॉग जितना बड़ा है उस हिसाब से आप मल्टीपल टाइम डिफरेंट वेरिएशन के साथ ऐड कर सकते हो, जिससे आपका वीडियो का जो करेक्टर है उसमें आपको एक अलग लुक देखने को मिल जाएगा। तो एक ये तरीका है गाइस, यहाँ पे कई सारी प्रीसेट दी हुई हैं, आप उसके हिसाब से रैंडम चूज़ कर सकते हो, क्विक एनिमेशन दे सकते हो। देन उसके अलावा हमें यहाँ पे शो लोकेशन विजुलाइजर का ऑप्शन देखने को मिलता है, और जब आप इसे करते हो क्लिक तो कुछ नहीं होता, बेसिकली क्यों नहीं होता मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद यहाँ पे ट्रिम राइट ट्रिम लेफ्ट, उसके बाद यहाँ पे आता है ऐड की। तो जब आप ऐड की करते हो तो यहाँ पे की जो है वो आपको रेड कलर की दिखती है। रेड कलर मीन्स है कि इसमें कोई भी हेड लुक एट या आई लुक एट अगर आप ऐड करते हो तो उस पर कोई भी हेड लुक एट या आई लुक एट अप्लाई नहीं है। रेड मतलब कोई भी अप्लाई नहीं है, ठीक है। और अगर इसको आपको ट्रिम करना है तो आप सिंपली यहाँ से ट्रिम लेफ्ट या राइट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या सिंपली यहाँ से आपको इस तरीके का आइकन दिखेगा उसको ड्रैग करके भी छोटा बड़ा कर सकते हो। इसको एडिट कैसे करना, जब आप ऐड की को ऐड कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, या सिंपली आप डबल क्लिक करके भी प्रॉपर्टीज़ को ऑन कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे गाइस हमें मोड देखने को मिलता है, और मोड के अंदर हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कैमरा, टारगेट और लोकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कैमरे की, कैमरे कैसे वर्क करता है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कैमरा ऐड है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे कैमरा चूज़ करूँगा। तो कैमरे का बेसिकली काम ये है कि जो भी कैमरा होगा और अगर वो कैमरा आपकी टाइमलाइन में ऐड है तो करेक्टर का फेस अपने आप उस कैमरे की तरफ चला जाएगा, कोई भी सिचुएशन हो वो अपने आप उस कैमरे की तरफ दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने एक कैमरा लगा दिया है, आप देख रहे हो मेरा कैमरा यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखिए इसने ऑटोमेटिक कैमरे की तरफ स्विच कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे कैमरा चूज़ किया हुआ है। तो मैं प्ले करूँगा तो आप देखोगे जैसे जैसे मेरा कैमरा मूव कर रहा है करेक्टर का हेड अपने आप कैमरे के साथ मूव करता जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है जब आपके पास से कोई करेक्टर गुजर रहा है उसको देखने के लिए, या कोई कार, बाइक या कोई चीज़ को देखने के लिए आप इस तरीके का इफ़ेक्ट दे सकते हो कैमरे के ज़रिए, ठीक है। कैमरा बहुत ही ज़्यादा काम का है और आप इसे कई बार यूज़ करोगे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो एप्लीकेंट के अंदर। सेम उसी तरीके से डबल क्लिक करूँगा मैं आई पे, इसको भी कैमरे की तरफ कर दूँगा तो दोनों फंक्शन सेम काम करेंगे। तो आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा मतलब वन मतलब वो पूरा देखेगा कैमरे की तरफ, और ज़ीरो से वन का इसका पैरामीटर है, आप कम कर दोगे तो वो हल्का सा देखेगा, देख नॉर्मल सा देख रहा है तिरछी आँखों से, ठीक है। आप इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, आप आइज़ पे वन कर सकते हो, हेड पे 0.35 कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा सा लुक आ गया बेसिकली करेक्टर के ऊपर,
वो अजीब सा तिरछा थोड़ा सा झुक के तिरछी आंखों से देख रहा है। तो इस तरीके का आप लुक क्रिएट कर सकते हो अपने सीन में करेक्टर पे, ये कॉम्बिनेशन अप्लाई करके कि एक की वैल्यू ज़्यादा कर दी, एक की वैल्यू कम कर दी। तो ये था गाइज हेड का। देन उसके अलावा दूसरा मोड है हमारे पास टारगेट। टारगेट बेसिकली वो है जिस पे हम कोई चीज़ पे टारगेट करके इसे दिखाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये चेयर रखी है, ये चाहता है मेरा, हम चाहते हैं कि मेरा करेक्टर इस चेयर को देखे, तो सिंपली हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, जो आपको सेलेक्ट फ्रॉम व्यू पोर्ट आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और अपने चेयर को चूज़ कर लेना है। तो आप देखोगे मेरा करेक्टर इस चेयर को देख रहा है, लेकिन ये फुल स्ट्रेंथ के साथ देख रहा है, जो देखने में अजीब सा लग रहा है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, इसकी स्ट्रेंथ को कम करूँगा। ये आपको देखना होगा, बार बार देखना होगा। फिर उसके अलावा मैं सेम यहाँ पे भी टारगेट में अपनी चेयर को यूज़ कर लूँगा। देन उसके अलावा यहाँ पे भी इसकी स्ट्रेंथ को 0.7 कर दूँगा। 1 मतलब फुल, 0 मतलब 0 और 1 मतलब 100% स्ट्रेंथ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, एक ये तरीका है। और बाई चांस आपने यहाँ पे लगा दिया, अब आप चाहते हो कि थोड़ी देर देखे उसके बाद ये ना देखे, तो आप इसके बाद यहाँ पे एक और की ऐड कर दो, तो आप इसको बड़ा कर दो। देन उसके बाद इसकी टाइमिंग को आपको एटलीस्ट 3 सेकेंड तो रखना ही रखना है, ठीक है। एंड देन उसके अलावा आप यहाँ सिंपली कॉपी कर सकते हो कि इसको, और डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आप, ये आपकी टाइमलाइन का कर्सर होगा उसके आगे पेस्ट हो जाता है, तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करो और डिसेबल कर दो। तो बार बार आपको यहाँ से क्रिएट नहीं करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो अपनी कीज़ को बार बार। तो आप देखोगे स्टार्टिंग से ये देख रहा था, देन उसके बाद धीरे धीरे इसका हेड सामने की तरफ चला गया, जो कि बहुत ईजी है। आप कई तरीके का हेड का मूवमेंट दे सकते हो अपने सीन के अंदर, ठीक है। तो कैसे, एक ये तरीका था। देन उसके अलावा जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो है, मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, वो है लोकेशन का। लोकेशन भी सेम वैसे ही वर्क करता है, और यहाँ पे इस समय हमारा काम आता है ये आइज़ का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ये इमोजी टाइप का कुछ आ गया है। तो इसको मैं जिधर साइड सेट कर दूँगा ये उस साइड देखेगा, आप देख सकते हो नीचे देख रहा है, ऊपर देख रहा है। इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो लोकेशन के हिसाब से आप चाहते हो कि ये ऊपर की साइड देखे, ऊपर सेट कर दिया तो आप देखोगे ये ऊपर की साइड देख रहा है, तो ये लोकेशन वाला हो गया। ऐसे ही आप सिंपली आई पे भी अप्लाई कर सकते हो। देन उसके अलावा अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ वो बेसिकली इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन है, और जो कि इजी है भी काफ़ी। उसके मदद से आप अपनी की फ्रेमिंग लगा के अपने करेक्टर को, हेड को जिधर चाहे मूव करा सकते हो। वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको सीन में जाना है। देन उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर बेसिक शेप्स के अंदर। बेसिक शेप्स में आप कोई भी शेप्स ले सकते हो, और मैं यहाँ पे छोटा सा स्पेयर ले रहा हूँ, और मैं इसके स्केल को छोटा कर दूँगा। बेसिकली मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, और भी छोटा कर सकता हूँ, हालांकि 0.1, यस 0.1 बहुत ज़्यादा कम हो गया, 0.3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे सीन लिस्ट में, इसका बेसिकली नाम दे देते हैं हेड, हेड लुक, जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे की ऐड करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा टारगेट चूज़ करूँगा, और टारगेट में इस बार मैं चूज़ करूँगा इस स्फीयर को। वैसे उसी तरीके से मैं यहाँ पे जाऊँगा टारगेट में इस स्फीयर को चूज़ करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आप सिंपली यहाँ पे टाइप करके के भी उस जो भी आपका मैश है उसको चूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से क्लिक करके चूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब ये हमारा आ गया, अब आप देखो कि मेरा करेक्टर इस स्फीयर की तरफ देख रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये आपको दिख रहा है कि आपका स्फीयर की तरफ देख रहा है, लेकिन हमें सीन के अंदर तो बेसिकली नहीं दिखाना होगा कि स्फीयर आ गया बेफालतू का मेरे सीन में, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे अपने अकॉर्डिंग इस स्फीयर की मदद से। तो हमारे पास है स्फीयर, और यहाँ पर एड हम उसको सेलेक्ट करेंगे, एड ट्रैक में जाएंगे, तो आप देखोगे जो स्फीयर हमने सेलेक्ट किया उसका नाम आ रहा है, उसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे। देन उसके नाम के प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, हम उसके पोजीशन पे को चूज़ कर लेंगे। रोटेशन से हमें कोई भी मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो अभी ये हमने यहाँ पे एक की ऐड करी, तो इस स्फीयर की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। देन उसके बाद मैंने कहा इसकी पोजीशन इधर सेट कर दी, देन उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन नीचे कर दी, एक की लगा दी, देन उसके बाद
मैंने इसकी पोजीशन इधर कर दी, एक की लगा दी, देन उसके बाद मैंने इसकी पोजीशन इधर कर दी और एक की लगा दी, ठीक है। तो गाइस आप देख रहे हो कि मेरे करेक्टर का हेड जो है, मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं अपने कैमरे के एंगल से, तो वो अप डाउन जैसा मैंने की लगाई है उस तरीके से देख रहा है। यानी कि आप बड़ी आसानी से अपने अकॉर्डिंग करेक्टर के हेड को मूव करा सकते हो बेसिकली। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये स्फेयर आपके स्क्रीन ना दिखाई दे, तो सिंपली आप अपने स्फेयर को सिलेक्ट करो, देन उसके बाद यहाँ पे आपको विजिबिलिटी जो दिख रही है आई, उसको बंद कर दो, तो ये आपके स्क्रीन से गायब हो जाता है और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से करेक्टर के हेड को अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग मूव करा सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाला है अगर आप रेप्लिकेंट के अंदर कोई भी सीन क्रिएट कर रहे हो। और इससे इजी ज़्यादा मेथड आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देखने को मिलती है करेक्टर के हेड को मूव कराने की। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो करेक्टर के हेड के मूवमेंट वाला, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेप्लिकेंट और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।